चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का पार्ट थर्ड देख रहे हैं। इसमें कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं। मनोविज्ञान के जनक, तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये भी विलियम जेम्स हैं। प्रकारवाद सांप्रदाय के जनक कौन है, विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है, तो विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थर्नडाइक। आगे है संयोजनवाद का सिद्धांत, थर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी थर्नडाइक। यस आर थ्योरी के जन्मदाता, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सभी कौन दिए हैं, थर्नडाइक द्वारा दिया गया है। चलते हैं आगे। संबंधवाद का सिद्धांत भी थर्नडाइक द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, तो ये भी थर्नडाइक द्वारा दिया गया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये थर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बिने और साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने द्वारा दिया गया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत कौन दिया है, स्पीयरमैन। त्रि आयाम का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो ये बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। समूह खंड का सिद्धांत कौन दिए हैं, थ्रस्टन। आगे है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, तो थ्रस्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी थ्रस्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, थ्रस्टन और चेव। न्यायदर्श या प्रतिदर्श, इसको वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी थॉमस दिए हैं। पदानुक्रमित या क्रमित महत्व का बुद्धि सिद्धांत कौन, बर्ट एवं वर्नन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी केटर। आगे है बुद्धिका और बुद्धिका का सिद्धांत है, बुद्धिकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन कौन किया है, तो विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो विलियम मैकडूगल। आगे है हार्मिक सिद्धांत किसने दिया, तो ये विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसके अंतर्गत कहा जाता है, तो पोम्पोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत ये स्कीनर द्वारा दिया गया है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत स्कीनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया है। आगे है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया है। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल द्वारा दिया गया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सी एल हल द्वारा। सबलीकरण का सिद्धांत ये भी हल द्वारा। संपोषक का सिद्धांत सी एल हल द्वारा। चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत सी एल हल द्वारा। आगे चलते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर द्वारा दिया गया। सूच का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। वर्दिमर कोफका द्वारा दिया गया। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो ये कोहलर वर्दिमर और कोफका हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन द्वारा दिया गया। आगे है तल रूप सिद्धांत, तो लेविन द्वारा। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, लेविन। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी। साइन चिन्ह का सिद्धांत टालमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टालमैन है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, डेविड आसुबेल।
भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो जोहन बी वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह है क्लार्क। आगे है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बांडूरा है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टेनले हॉल। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तन एरिक्सन द्वारा। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एविंग हास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिनियम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी जेरोम ब्रूनर। सामान्यकरण का सिद्धांत कौन दिया? तो सी एच जेड। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है? तो बगले द्वार दिया गया। भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मेस्लो। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मेस्लो। आगे है आत्मज्ञान का सिद्धांत मेस्लो द्वारा ही उपलब्ध। अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलियंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स कॉफमैन। सील गुड़ का सिद्धांत ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन का मार्ग का सिद्धांत हेनरी मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध जिसको TAT विधि भी कहा जाता है, इसको मॉर्गन और मुरे दिए हैं। आगे है बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो CAT विधि भी इसको कहते हैं। तो लियोपोल्ड बैलक द्वारा दिया गया है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, तो IBT विधि इसको कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं हरमन रोडसा। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको SCT विधि भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक हैं पाइन टेंडलर। इसी तरह से आगे है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हार्ट सार्न। किंडरगार्टन जिसको बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल को माना जाता है। खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रॉबेल हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी क्लिपेट्रिक। मापनी भेदन विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स व क्लिपेट्रिक। आगे है डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली। बिनेटिका जिसको इकाई विधि के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हैं कार्लटन वासबर्न। आगे है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। समाज मित विधि के प्रतिपादक कौन है? JL मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकर्ट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगुड। इसी तरह से आगे है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं टर्मन। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं SD पोर्टियस। वेल्शर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं डी वेल्शर। वेल्सवर आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर यस हैं। इसी तरह से आगे है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं CH राइस। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक हैं जे मनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोमब्रसो। वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादक मेंडल द्वारा किया गया। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हार्लो। आगे है शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो सेल्डन।
व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं गोल्डस्टीन। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक इसमें दिए गए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इसमें रिवीजन किया गया है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।